हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो राउंड अबाउट, मतलब कि जो सर्कल आता है, चौराहा आता है, उसमें अपनी कार को किस तरह से लेके एंटर करना है और किस तरह से निकलना है उसके बारे में है ये वीडियो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं अभी कुछ दूर आगे ही जाते एक राउंड अबाउट आएगा, बहुत बड़ा राउंड अबाउट है। तो उसमें वैसे तो फोर लेन ही अलग निकल रही है, बट आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से, अगर लेफ्ट लेन टर्न लेन, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से, अगर आपको लेफ्ट लेन में जाना है, मतलब सर्कल से लेफ्ट टर्न लेना है या स्ट्रेट जाना है, तो किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन में। आगे आप देख सकते हैं वो सिग्नल भी है, राउंड अबाउट है। तो यहीं से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये सिग्नल से जो राउंड अबाउट लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जाता है, तो उसमें मुझे सिर्फ लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए निकल जाना है। तो मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैं या तो ध्यान दूं कि कुछ भी करूं, बट मेरे को लेफ्ट इंडिकेटर देना है और वहां से मैं लेफ्ट टर्न ले लूंगा। बट ये जैसे रेड सिग्नल है तो मुझे रुकना पड़ेगा वहां पे। तो ये अब ग्रीन हो गया है सिग्नल, अगर आपका व्यू जा रहा है वहां तक तो देखिए ग्रीन हो गया है सिग्नल। मुझे यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेना होता तो मैं सिंपली लेफ्ट इंडिकेटर दे के निकल जाता, बट ये देखिए सिग्नल ग्रीन रेड हो गया है, तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। तो मुझे लेफ्ट लेना होता तो मैं यहाँ से लेफ्ट लेन पे, कम्प्लीटली लेफ्ट में, और थोड़ा सा लेफ्ट में अपनी कार को स्टैंड करता और लेफ्ट इंडिकेटर दे के रखता और निकल जाता। जो कि मुझे राउंड अबाउट लेते हुए स्ट्रेट जाना है, तो मैं जब यहाँ से एंटर करूँगा राउंड अबाउट में, मतलब सर्कल में जब मैं एंटर करूँगा, तो मैं इंडिकेटर कोई भी यूज़ नहीं करूँगा, ना लेफ्ट का ना राइट का। राउंड अबाउट में एंटर करते ही मुझे ट्रैफिक का ध्यान देना है, किस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और कितनी स्पीड में है। तो नॉर्मली जैसे अभी रेड सिग्नल है, मैं फर्स्ट गियर में कार को लगाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। तो सिग्नल ग्रीन होते ही मैं कार को आगे बढ़ाऊंगा, तब मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट गियर में नॉर्मली बढ़ा दूंगा, सेकंड गियर भी लगा लूंगा। तो उसके साथ साथ मुझे राइट का ट्रैफिक जो आ रहा है उस पर भी ध्यान देना है। यूजली ये सिग्नल है यहाँ पे, तो अगर ग्रीन हो जाता है डेट मीन्स उधर का रेड होता है। बट स्टिल बहुत जगह क्या होता है, राउंड अबाउट में जो चौराहे ये सर्कल होते हैं उसमें सिग्नल नहीं होता है नॉर्मली, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं होता है नॉर्मली, आपको चक्रे को देखते हुए चलना होता है। तो ये सिग्नल ग्रीन हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं राउंड अबाउट में, मतलब ये चक्कर में एंटर करने वाला हूँ। मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अब ये सेकंड गियर लगाई, मैंने देख लिया उस तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा क्योंकि सिग्नल हो गया है। ये मैं कह रहा था अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना होता तो मैं यहाँ से लेफ्ट इंडिकेटर देता और टर्न ले लेता, जो कि मुझे स्ट्रेट जाना है तो मैं कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा हूँ। और लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा राउंड अबाउट से, मैंने इंडिकेटर लेफ्ट का दे दिया है क्योंकि मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना था। राउंड अबाउट से कहीं भी निकलेंगे हम, लेफ्ट टर्न ही निकलेगा क्योंकि हम इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं। तो राउंड अबाउट से जैसे ही निकलेंगे इंडिकेटर लेफ्ट का दे देंगे। और अगर राउंड अबाउट से, मतलब मेरे को एक और पूरा चक्कर लेना है, तो मैं कोई इंडिकेटर नहीं दूंगा। मुझे इंडिकेटर देने की नीड सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टर्न, जब भी राउंड अबाउट से एग्जिट करूंगा या चक्रे से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, सिर्फ उसी समय मैं इंडिकेटर दूंगा अभी लेफ्ट का, क्योंकि वी आर इन इंडिया, इंडिया में लेफ्ट साइड की ड्राइविंग है। और इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको, जैसे हम रेड लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं राउंड अबाउट के लिए निकलते हैं, तो हमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा खासा ध्यान देना है कि आपके लेफ्ट में कोई कार आपके साथ ओवरटेक तो नहीं ले रही। तो ये लेफ्ट आप जब भी देखें अपने रियर व्यू मिरर में ध्यान दे दें, लेफ्ट के रियर व्यू मिरर में जब भी आप राउंड अबाउट से एग्जिट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो राउंड अबाउट एंटर करने की और यहाँ से एग्जिट करने की राउंड अबाउट से। तो सिंपली ये सिर्फ ड्राइविंग में किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं अपनी कार को और किस तरह से ध्यान देना है अपने जजमेंट पे, तो उसके बारे में थी ये वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, गुड डे एंड टेक केयर, ड्राइव सेफली।